Good afternoon, students. I am Dr. Meenakshi in communication with the Ramani College of Patambali. Yesterday, we have discussed about the events from all the factors which can lead to onset of disease in College of Patambali patients. We will have a quick revision about the factors. जैसे कि grief है, grief की वजह से patient can affected, दुख है, वो उसके emotional sphere को affect करता है. Then they come up with complaint of GI, rheumatic types of pathology. This is how it works. Next point is misdeeds of other. इसका क्या मतलब है? Misdeeds मतलब बुरे काम किसी और के द्वारा किए गए. वो patient अगर witness करता है या देखता है उससे उसका emotional sphere affected होता है. Then they come up with complaint of IBS, gastritis या पेट की जो भी परेशानी है उनसे related जो symptoms लेकर आता है patient आपके पास. When you go in some history and you elicit कि वो episode होने के बाद patient में ये चीज आई है, तो you can think about colchicum. Let's take an example of this point, misdeeds of other. आप जा रहे हो, you are on the road and you are witnessing a husband beating his wife brutally, है ना, road पे वो झगड़ा कर रहे हैं, वो उसको मारने लग गया, physical assault करने लग गया, abuse कर रहा है, बोल रहा है. And that lady जो ये सब चीजें जिसके साथ हो रही है वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही, वो resist नहीं कर रही है. And because of that relationship उन दोनों बीच है, their husband and wife, you are not able to help that lady. आप बीच में नहीं करो लेकिन interfere नहीं कर रहे हो. And then आप वहां से निकल जाते हो. बट वो episode या वो जो भी विटनेस किया है सीन आपने, वो आप भूल नहीं पाते. देट गेट अफेक्टेड. आप उसके अंदर सोचते बेचारे कितना यूमिलेट हुई होगी, कितनी परेशानी हुई होगी, पर आप कुछ कर नहीं पाए. एंड देन आफ्टर सम टाइम वो चीज आपके इमोशनल फैक्टर या इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है. देन यू कम अप विथ सम कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन्स और GI कंप्लेन्स. देन वी कैन एलिसिट दिस एज ऑनसेट कॉज ऑफ ऑनसेट इन द डिजीज. तो ये हमको देखना, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में कि कब से स्टार्ट हुआ. आपको ये पेशेंट से इंक्वायर करना चाहिए कि ये किस चीज के बाद हुआ, क्या ऐसा हुआ था, तो अचानक से कंप्लेंट स्टार्ट हो गई. सो दिस इज मिसडीड्स ऑफ अदर्स. देयर आर वेरियस रेमेडीज जैसे कि सेफिसेविया है, कॉस्टिकम है, जहां पर पेशेंट गेट अफेक्टेड विद ह्यूमिलिएशन या इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ में. जैसे कि कॉस्टिकम है, वहां पर भी ये फैक्टर हम देखते हैं कि किसी के साथ इनजस्टिस होता हुआ देखने के बाद पेशेंट गेट अफेक्टेड. यहां पर हम डिफरेंस कैसे देखेंगे, कॉस्टिकम कम का पेशेंट इनजस्टिस देखने के बाद दे रिवॉल्ड बैक, मतलब वो उसका जवाब देते हैं, वो रिफर करते हैं, वो अपने आंखों के सामने होने नहीं देते. दे जंप इन टू द मिडल ऑफ एनी हैपनिंग जहां पर इस तरह से हो रहा है. बट इन केस ऑफ कॉल्चिकम वो उससे देख लेते हैं अंदर ही अंदर, उस चीज का भूख पीएंगे, बोल नहीं पाएंगे. इस तरह से हम डिफरेंस रेमेडी में सी होम्योपैथिक मल्टी रेमेडी का इज अ वेरी 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 स्मॉल डिफरेंसेस. हर एक रेमेडी के बीच लोगों में हमेशा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए. डिफ्रेंशिएशन ऑफ द रेमेडीज ठीक है. नाउ अदर रेमेडी जैसे स्टेफ है, स्टेफ में भी ये फैक्टर देखने को मिलता है. बट स्टेफ इज मोर ओवर अ डीप एक्टिंग पॉलीक्लस रेमेडी. सो ऐसा भी है कि हम कॉल्चिकम को देने के बाद में अगर फॉलो करना है स्टेफ दे सकते हैं. तो इसमें भी कॉल्चिकम में भी है यूमिलेशन डिजीज, ऐसा स्टेफ में भी देखने को मिलता है. स्टेफ इज मोर डीप एक्टिंग रेमेडी. सो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्स ड्रॉप. इट इज अनदर पॉइंट इज चेक परस्पिरेशन, मतलब कि पसीना सुखा देना बाय समाटिक चिमनीज. उसके बाद में देखा हम फिर पैथोलॉजीज या डिजीज या सिम्टम्स, देन वी कैन थिंक अबाउट कॉल्चिकम और टेम्पलेट. दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स फ्रॉम ऑटो कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द रेमेडी. नाउ रिलेशनशिप विथ हीट, मतलब थर्मल एयर पेशेंट इज एक्सट्रीमली चिली पेशेंट, मतलब ठंड से अफेक्ट होता है, कोल्ड वेदर से अफेक्ट होता है. ये हम हर रेमेडी में देखते हैं वेदर पेशेंट गेट अफेक्टेड. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पेशेंट विद द थर्मल्स विद द एनवायरमेंट. नाउ द फिजिकल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स क्या है रेमेडी के. पेशेंट को भूख लगती है, गुड एपेटाइट है पेशेंट की, बट इस रेमेडी में वो जो स्फीयर ऑफ एक्शन है रेमेडी का वो GI सिम्टम्स पर है, जिसमें पेशेंट को स्ट्रॉन्ग
strong symptoms of nausea and vomiting. So because of that, patient को भूख लगने के बाद भी because of the nausea, the retching, the vomiting, या because of the loathing of food. Loathing of food का मतलब है hate towards food. ये terms आप एलेंस के बुक में भी देखोगे. Loathing of food इसका मतलब होता है hate of food. Loathing का मतलब है hate. Now because of that, भूख लगने के बाद भी जब वो खाना देखता है या बिकॉज ऑफ द साइट ऑफ स्मेल ऑफ कुकिंग फूड या फिर जब खाना बनता है उसकी स्मेल आने पर इवन अगर वो खाना बनते हुए देख ले दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग एक्यूट सेंस ऑफ नॉजिया इन द पेशेंट या फिर चीज मिलाने का होता है जिसकी वजह से पेशेंट को भूख तो लग रही होती है बट ही कैन नॉट ईट. हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे आगे पर्टिकुलर्स में. नाउ नेक्स्ट वन इज थर्स्ट. There is a no thirst or diminished thirst in case of colchicum autumnum remedy. Now, next section of the remedy, guiding indications, characteristic indications of the remedy. So, ये मैंने आपको एक quick memorizing tip दी है. कैसे इसको हम memorize कर सकते हैं? In short, colchicum, colchicum, colchicum. First point is cooking food, nausea and sour smell. C stands for cooking food. It is just to memorize yourself कि हम long term तक याद कर सके but आपको remedy को समझना और उसके deeper aspect को समझना बहुत जरूरी. Don't just आपको याद करने से ज्यादा comparative study, differentiating symptoms पे हमेशा focus करना है. Cooking food, nausea, sight और smell मतलब क्या है कि पेशेंट ने किचन में देखा खाना बन रहा है. खाना बनता है जो स्पेसिफिकली फिश 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 के लिए बहुत ज्यादा नॉसिया होता है. जो टॉप मोस्ट रेमेडी फिश है, मीट है, एग है, इनका स्मेल इवन कुकिंग के देखते पेशेंट को इम्पल्स आता है कि वो जंप कर दे. इतना टॉप लेवल का नॉसिया है इसमें. नॉसिया मतलब जी लिखना ना उसके बाद में पेशेंट वॉमिटिंग भी कर सकता है. कॉन्स्टेंट नॉसिया है और बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर जो कि इवन इन केसेस ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मॉर्निंग सिकनेस जिसे हम बोलते हैं उसमें भी गलत स्टेप है. मेडिकल यहाँ पे पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस रहती है आफ्टर सीइंग द कुकिंग फूड और स्मेल ऑफ फूड स्पेशली फिश. तो ये दोनों जगह ये इंडिकेटेड है. इसी वजह से हमने देखा कि लोडिंग ऑफ फूड भी यही है क्योंकि वो स्पेशली जो एनिमल प्रोटीन है उसके लिए लोडिंग यानी वो जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं इस तरह के फूड आइटम की वजह से. ओ स्टैंड्स फॉर ओवर सेंसिटिव. कॉल्चिकम रेमेडी इज वेरी ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन मतलब कि वट एवर बी द डिजीज वट एवर बी द सिम्टम्स पेशेंट एक्सटर्नल इम्प्रेशन ऑफ नॉइज मोशन लाइट टच ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे डीपली अफेक्टेड होता है. उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं उन अगर पेशेंट जैसे कि जॉइंट पेन की कंप्लेंट है पेशेंट को हल्का सा भी टच करेंगे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. वेरी ओवर सेंसिटिव पेशेंट. नाउ सिम्टम्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस साइड ऑफ द रेमेडी भी हम हमेशा देखते हैं जैसे कि लाइफ मोडिंग राइट साइडेड रेमेडी है समथिंग रेमेडी है लेफ्ट साइडेड रेमेडी. इसी तरह से कॉल्चिकम के सिम्टम्स वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. सी स्टैंड फॉर कोल्डनेस इन एब्डोमेन. जीआईटी कंप्लेंट में पेशेंट का गेस्ट वेदर इट इज गैस्ट्रेजिया या फिर एसिडिटी या एनी काइंड ऑफ पैप्टिक अल्सर जो उसमें पेशेंट को क्या जनरलिटी में बताएगा कि पेशेंट को पेट में ठंडा ठंडा लगता है ठंडा सा लगता है जैसे आइसी कोल्डनेस इनसाइड द एब्डोमेन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हेट्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. हेट्स फॉर फूड और लोथिंग फॉर द फूड सेम थिंग है. इनकी इमेज जब आप यूरिनरी सिस्टम में अगर पर्टिकुलरली पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक इंक इंक कलर की यूरिन पास करता है. टर्बिड यूरिन है. पेशेंट की यूरिन में एल्बुमिन के कंटेंट्स भी देखे जाते हैं. शुगर मिल सकती है क्योंकि कॉल्चिकम हमने जब पैथोलॉजी में पढ़ा था कि इट्स अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर गाउटी गाउटी रूमेटिक डायसिस. तो गाउट के केसेस में जब यूरिन एसिड का कंटेंट बढ़ता है दिस रेमेडी हैज अ वेरी गुड टेंडेंसी टू एलिमिनेट द यूरिक एसिड फ्रॉम द यूरिन. तो इट वर्क एज अ वेरी गुड डायोरेटिक ऑल्सो यूरिनरी सिस्टम पे एक्ट करके ये डायलिसिस कराता है और सिम्टम्स में हेल्प करता है रिलीफ करने में हेल्प करता है. सो
इनकी यूरिन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन रोबस्ट है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। यूरिन स्टैंकी एंड सप्रेस्ड, जब यूरिनरी सिस्टम में बिकॉज ऑफ द एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजीज ड्रॉपसी के साथ में सप्रेस्ड यूरिन होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास करता है, रॉ यूरिथ्रा होगा पेशेंट में, इस तरीके के सारे सिम्टम्स हमको यूरिनरी सिस्टम में देखने को मिलेंगे। सो एंड स्टेंटोलिसिस, सो दिस इज जस्ट अ मेमोराइजिंग टिप फॉर यू ऑल। नाउ वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप ईच सिस्टम। नेक्स्ट सेक्शन, कॉल्चिकम ऑटम नेम, एज द नेम सजेस्ट, इसको ऑटम नेम क्यों बोला गया है, बिकॉज इसके जो फ्लावर्स होते हैं कॉल्चिकम के, दे ब्लूम इन द सीजन ऑफ ऑटम, एंड जिसे हम बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर जो कहा जाता है, उसी से हम रिलेट करते हैं कि किस रेमेडी के सिम्टम्स हैं वो ऑटम सीजन में बढ़ जाते हैं, देयर एग्रेवेशन फ्रॉम ऑटम। यहाँ पर देखा गया है जिसे टर्म होते हैं ऑटम नेम रीजन, टेनिसमस रहेगा, समटाइम्स मोशन पास करते वक्त भी पेनफुल कंडीशन रहेगी। तो ये सिम्टम्स है इसके डिजेंट्री के, पेशेंट वॉन्ट्स टू लाई डाउन, है ना, चुपचाप लेटे रहने को, मींस की जनरल इन जनरल पेशेंट को मोशन से एग्रेवेशन होता है। सो दिस इज अबाउट ऑटोमेटेड डिजेंट्री। नाउ नॉजिया, तो हमने अभी डिस्कस किया है, नॉजिया वॉमिटिंग है फ्रॉम द साइट एंड स्मेल ऑफ फूड, स्पेशली साइट ऑफ द फूड। पेशेंट को इम्पल्स आता है कि वो इवन जैसे लेडी आई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मॉर्निंग सिकनेस है और उन्होंने कुकिंग फूड देखा, दे सी द फूड एंड दे हैव इम्पल्स टू जंप आउट ऑफ दैट प्लेस। इस तरह से होता है, इट्स वेरी टॉपमोस्ट रेमेडी इन फॉर मॉर्निंग सिकनेस एंड नॉशिया वॉमिटिंग, राइट। सो दिस पेशेंट इसमें कंप्लेन ये भी करते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंशन रहता है पेट में, जो गैशियस टेंशन रहता है, गैस बनी रहती है, हैवीनेस लगती है, ये सारे फीचर्स जीआईटी में देखने को मिलेंगे। इवन जो रोमैटिज्म की कंप्लेंट है, एब्डोमिनल डायरिया डिजेंट्री अल्टरनेट भी करते हैं, डायरिया डिजेंट्री अल्टरनेट विथ रोमैटिज्म, ये भी देखा गया है। सो दिस इज अबाउट द जीआईटी ऑफ कॉल्चिकम। नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पर कॉल्चिकम ऑटम नेम के केसेस में गाउट कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसे सिम्टम लेकर आएगा गाउट, दैट रेडनेस, रेडनेस, पेन, स्वोलन, ठीक है, जॉइंट्स में रेडनेस होगी, वॉर्म होंगे टच करने पे, एकदम टियर कर रहे हैं जॉइंट्स को, प्रिकिंग पेन, कुछ चुभ रहा है, इस तरीके का पेन पेशेंट बताएगा।
प्रिकिंग एंड टियरिंग. सो कैरेक्टर ऑफ पेन, द लुक ऑफ द जॉइंट्स. नाउ एग्रीवेशन फ्रॉम मोशन. जरा सा भी मोशन नहीं कर पाएगा. टच मतलब जहां पे भी गाउट की कमजोरी में जो भी जॉइंट्स अफेक्टेड है, पेशेंट टच करने से डरेगा, फियर से है. जैसे उसको टच करेंगे वो पेन उसका ट्रिगर हो जाएगा, एग्रीवेट हो जाएगा. पेशेंट को लाइन लाइन से आराम मिलता है. चुपचाप अगर वो लेटे रहता है तो पेशेंट को अच्छा लगता है लाइन. तो ये जो फील है गाउट इन केसेज ऑफ क्वालिटी, ये सारे रीजन मिलेंगे गाउट में. इसके साथ गाउट है कोलैप्स की कंडीशन, मतलब विद इन केस ऑफ नौजिया है या डायरिया है या गाउट का पेन है, पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोस्टेटेड होगा, मतलब बहुत थका हुआ रहता है ना, फेंटिंग रहेगी, कोलैप्स रहेगा. ये चीज भी इम्पोर्टेंट है आपको कोलैप्स की, जैसे कि आर्सेनिक रेमेडी है, फॉस्फोरस रेमेडी, वहां पर भी जो है पेशेंट को नौजिया. मैं आपको अभी रिलेट कर रही हूँ कि कोलैप्स स्टेज जो है वो नौजिया और वॉमिटिंग के केसेस में कॉन्जिटम में ज्यादा होता है. फेंटिंग के सिर्फ ऐसा लगता है कि नौजिया है वॉमिटिंग का, जिससे पेशेंट लगता है गिर जाऊंगा, कोलैप्स हो जाऊंगा, चक्कर खा जाऊंगा. इस इंटेंसिटी का होता है जो आर्सेनिक में नहीं देखने को मिलेगा, जो फॉस्फोरस में देखने को नहीं मिलेगा. तो विद गाउट ऑल्सो प्रोस्टेशन और इसकी उसके साथ में आप कंप्लीट करेंगे सिम्टम्स. तो दिस इज अबाउट द गाउट कंप्लेन. बहुत ही वेल इंडिकेटेड रेमेडी है गाउट के केसेस में. नाउ अबाउट इसमें पेशेंट ये भी बताता है कि क्रैकलिंग साउंड्स होती है, मतलब कि कट कट की आवाज आती है जॉइंट्स में से, जो भी जॉइंट अफेक्टेड होते हैं उससे कट कट की आवाज आती है. ज्यादातर यंग इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी, जो कम एज में जो गाउट से अफेक्टेड हो जाते हैं, जॉइंट पेन से अफेक्टेड हो जाते हैं, यंगस्टर्स में वेल इंडिकेटेड है. सो दिस इज अबाउट द गाउट. नेक्स्ट पॉइंट इज रूमेटिज्म. रूमेटिज्म के केस में जो मस्कुलर रूमेटिज्म है, जॉइंट्स जो है स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, फ्लाइंग पेन होता है, मतलब कभी लगता है यहां दर्द हो रहा है, कभी बोलता है इस जॉइंट में हो रहा है, पेन कीप्स ऑन फ्लाइंग फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर. पेशेंट एक लोकेशन नहीं बता पाता है रूमेटिज्म के केसेस में. रूमेटिज्म कैन एक्सटेंड टू द हार्ट, टू द किडनी, इसलिए जो रोमांटिक हार्ट डिजीज वहां पर भी पेशेंट एक्सटेंड कर सकता है. वही इसकी जो मोडालिटीज है, पेशेंट को टच से मोशन से एग्रीवेशन होता है एंड ब्रेस्ट से पेशेंट को रिलीफ मिलता है. तो दिस इज रोमांटिज्म जो है आपके लिए, मस्कुलर रोमांटिज्म के लिए बहुत अच्छी लग रही है. So, this is about the musculoskeletal system of the colchicum ottoman. Now, we are moving to the next system, that is the urinary system. Urinary system mein kya hai? Ki patient ko jo already humne padha ki inki urine, मतलब कि इसका जो इंफ्लामेटरी कंडीशन में पैदा जो स्पीयर ऑफ एक्शन में पड़ा था, कैटालन इंफ्लामेशन होता है, वो किडनी या किडनी जो ऑर्गन्स हैं वहां पर होता है. इंफ्लामेशन की वजह से पेशेंट का ब्लैडर भी इंफ्लाम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है अंदर यूरेथ्राइटिस या फिर सिस्टाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. पेशेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होती है, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है. अगर किडनी का एरिया अफेक्टेड है, पेशेंट को किडनी रीजन में भी क्या सोर में होगी, जहां पर ये एरिया किडनी का रहता है
वहां पर पेशेंट बर्निंग सेंसेशन बताएगा कि जलन हो रही है उस एरिया में, सोरनेस हो रही है। अगर पैथोलॉजी नीचे की तरफ मूव करती है, यूरिथ्रा में बर्निंग होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास करता है पेशेंट, स्कैल्डिंग रॉनेस इन यूरिथ्रा एंड कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द यूरिन व्हिच इज इंकी यूरिन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इंकी यूरिन इन केसेस ऑफ कॉल्चिकम ऑटोफ्लेव। इंकी यूरिन पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में एल्ब्यूमिन और यूरिक एसिड इंक्रीज मिलता है। इट इज अ वेरी गुड डायबिटिक। अकॉर्डिंग मेनी स्टैंडर्ड्स ऑफ होम्योपैथी हैज सेड दैट इट कैन वर्क एज अ डायबिटिक, मतलब किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर को भी रिलीव करता है। तो मेन आपको इनकी यूरिन याद रखना है, बर्निंग इंसुलेशन है, स्कैल्डिंग है यूरिन में, तो ये सारे सिम्टम्स यूरिनरी सिस्टम से हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द मोडालिटीज। मोडालिटीज हमने जब सिम्टम्स पढ़े बीच बीच में उनका जिक्र आया है। इन जनरल जो है पेशेंट किस चीजों से उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है और किस चीज से प्रॉब्लम घटती है। Thank you very much.